आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का सूप, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। आपकी जो मर्जी आप इसमें डाल सकते हैं, सब्जियां डाल सकते हैं। तो हम इसमें बिना ऑयल और बिना घी के बनाएंगे इसको। तो ये मैंने ली है दाल 2 कप मूंग की, इसको धो लिया है अच्छे से, स्प्लिट मूंग है। और इसको अब डाल देंगे हम सीधा कुकर में। हम इसमें किसी चीज़ को भी छोंक नहीं रहे, कोई ऑयल का यूज़ नहीं हो रहा है। और आजकल क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो ये बहुत ही अच्छी वो रहती है। तो ये मैंने ली है चौलाई, जो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप इसमें पालक भी डाल सकते हैं। ये मैंने लिए हैं 8 से 10 पत्ते करी लीफ के, वो भी मैंने डाल दिए हैं इसमें। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें, मैंने लिया है एक बैंगन, कट करके डालेंगे क्योंकि इसको ग्राइंड करना है, तो इसलिए मैंने ये मोटा मोटा डाला है। दूसरा मैंने लिया है 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, गार्लिक, और ये लिया है एक टमाटर। तो ये डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। ये जो क्वांटिटी है ये बन रही है 4 लोगों के लिए। फिर डालेंगे हम इसमें टर्मरिक, और फिर हम कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ अमना का सांभर पाउडर, और ये बहुत ही मज़ेदार होता है इसे खा के। तो इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 चम्मच, मैं ही डाल रही हूँ। अब हम डाल देंगे इसमें पानी, जितना हमें दाल के लिए पानी चाहिए होता है उतना ही डालना है। और अब मैं इसको लगाऊंगी कुकर में, कुकर लगा दूंगी ताकि विसल आए इस पर। तो इसमें 4 विसल आ चुकी हैं और अब मैं इसे खोल रही हूँ। तो ये हमारा काफ़ी अच्छा वो हो गया है, गाढ़ा हो गया है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करूँगी, गुनगुना पानी। तो ये हैंड मिक्सचर से मैंने इसको बिल्कुल ही वो कर दिया है, ग्राइंड कर दिया है। तो अब हम चलिए सर्व करते हैं इसे। तो ये लीजिए, हमारा मूंग की दाल का सूप बन के तैयार हो गया है, और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। ये देखिए, बिल्कुल ही इसका वो बन चुका है, सूप जैसी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए।